हैं सत्या, क्या कुछ अपडेट्स अभी मिल पा रहे हैं पूरी जानकारी? जी हाँ, तय हो जाएगा कि राजधानी रायपुर में जो है नगर निगम पालिका का यहाँ पे जो मेयर कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सभापति है, कुछ ही देर में यहाँ शपथ ग्रहण सम्मेलन रखा गया है, कुछ ही देर में यहाँ पे शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद दोनों पार्टी जो अपने महापौर के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम घोषित करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष विधायक विकास उपाध्याय जी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, हम आज जानना चाहेंगे कुछ ही देर में यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कब तक नाम घोषणा होगा? नगर निगम रायपुर में अभी पार्षदों का शपथ ग्रहण हो रहा है, इसके बाद हमारे पास समय रहेगा 1 घंटे का, और हम पार्षदों के बीच बैठेंगे और उनके बीच ही हम जो भी हमारा महापौर और जो सभापति का प्रत्याशी होगा उन नामों पर हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम नामांकन करेंगे। क्योंकि बहुमत में अभी दोनों पार्टी नहीं है, अब बीजेपी दावा कर रही है कि उनके महापौर बन रहे हैं, आपके पास अभी फिलहाल ज्यादा सीट है। देखिए, हमारे पास 35 सीटें हैं और 8-7 निर्दलियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है, और जो विपक्ष के साथी हैं, जो जिनमें जो बौखलाहट है, घबराहट है, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा और सत्ता पक्ष के जो भी हमारे महापौर प्रत्याशी है उसमें वोट करेंगे। आपने राजनांदगांव देखा और अन्य जगह भी आप देख रहे हैं, कांकेर से लेकर कई जगह माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, सरकार की नीतियां, योजनाएं, जनकल्याणकारी योजना से प्रभावित होकर विपक्ष के पार्षद भी सत्ता पक्ष के जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनको वोट करेंगे। 4 नाम आपके यहाँ चल रहे हैं, चयन करने, प्रत्याशी चयन करने में कितना यहाँ पे कठिनाई सामने को देखें? देखिए, कोई कठिनाई नहीं है, हमने चयन कर लिया है और लिफाफा भी बंद हो गया है, और हम पार्षदों के बीच हम हमारा जो प्रत्याशी होगा उसका नाम डिक्लेयर करेंगे। आगे अगर चारों प्रत्याशी में बात करें तो कौन आगे है, ऐसा कोई? देखिए, कोई आगे पीछे नहीं है, सब हमारे बराबर है। हमको भी प्रदेश संगठन को भी बहुत ही तकलीफ हुई कि आखिर किसके ऊपर हाथ रखे, मगर हमारे लिए सब बराबर हैं और जिसका भी नाम पार्टी ने तय कर लिए वो सभी जो बचे प्रत्याशी भी उसको समर्थन करेंगे और वोट करेंगे। यहाँ पे विधायक विकास उपाध्याय भी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं, बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उनके पार्षद बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हम लोग तो विपरीत परिस्थितियों में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हमारे महापौर बने हैं, और जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, चाहे बिलासपुर के अंदर परिणाम देख चुके हैं वो लोग, राजनांदगांव जो पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिला है वहां का परिणाम देख चुके हैं, धमतरी का परिणाम देख चुके हैं, जगदलपुर का परिणाम देख चुके हैं, 10 के 10 नगर परिषद में, निगम परिषद में कांग्रेस के मेयर बनेंगे, ये बात स्पष्ट होता है। और हम तो बहुमत रायपुर में, हम 34 सीट हैं, 6-7 निर्दलियों ने हमारी जो सरकार के 1 साल के कार्य है उसको देखकर उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन किया, कांग्रेस की कार्य योजना। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 1 साल आम आदमी को मदद की, चाहे पट्टे की, अर्बन एरिया के मामले क्या होते हैं, पट्टा का मामला है, बिजली बिल का मामला है, सबका राशन कार्ड बने, आप अर्बन सिटी का स्वरूप क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर लोगों ने विश्वास किया। और पहली बार है कि रायपुर राजधानी में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी की जीत कराए, तो अपने आप में समझ लीजिए कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए, इस सरकार के लिए उत्साह की बात है। लोग निर्दलीय जो चुनाव जीते थे वो भी हमारे को समर्थन कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जो निर्दलीय है आपका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का भी कहना है कि वो उनका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हम बहुमत से ज्यादा मत पाने वाले हैं, ये बात तय है, वो कितना ज्यादा होगा उस समय आपको बताएगा। जीत कांग्रेस का ही महापौर बनेगा, सभापति भी महापौर का बनेगा, ये बात तय है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ रह नहीं गया खाली बात करने के सिवाय, इसलिए उन लोग सिर्फ मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये उनका पूरे साल भर का उनका ये मुख्य प्रमुख एजेंडा है जिसको लेकर वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप बहुमत लाने की दावा कर रहे हैं, आप जो जितने पार्षद हैं उनको आप लोग टूर में ले गए, इसको किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी कह रहे हैं कि वो नजर बंद करके रखे थे। अरे, हम मैंने क्या कहा आपको, पहले भी कहा, 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 75% नगर पालिका, नगर परिषद में हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन में चुनाव जीते हैं, तो ये तो सरकार है, उसके 1 साल के कार्यकाल है। हमारे पार्षद, नौजवान साथी, हमारी महिला बहनें लगातार 1 महीना चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर कैंपेन किए, एक आउटिंग के लिए,
और सबका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ में हो जाए, सब एक दूसरे को जान ले, बातचीत कर ले, उसके लिए एक दिन के लिए हम लोग सत्यन से पूछिए, आउटिंग की बात कर रहे हैं, आउटिंग का कह रहे हैं, तो आउटिंग इसी समय क्यों की गई? सीनियर पार्षद ने जूनियर पार्षद पहले भी की जा सकती थी, किस प्रकार से, किस बात का डर था? ये तमाम चीजों को लेकर हम लोग बैठे थे और इसमें कहीं कोई हम लोग को, जैसे अभी आपने आउटिंग की बात की तो अभी इतना गैप था तो उसमें कभी भी ले जाया जा सकता है चुनाव के दौरान एक दिन पहले? मैंने क्या बोला आपको पहले भी कि अभी जिस प्रकार से हम सब एक साथ बैठकर इंटरेक्शन करना चाहते थे, एक दूसरे को पहचानना चाहते थे, सब चुनाव से थके हैं, सब लोगों ने अपने अपने वार्डो में रैलियां की, लोगों को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद में एक दिन हम सब सबकी इच्छा थी कि हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिले, सब लोगों ने मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद दिया, हमारे पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं बैजनाथ चंद्राकर जी, इनके सामने उन्होंने मंशा रखी कि एक दिन हम सब लोगों को आप एक प्रशिक्षण दे दीजिए, तो बैजनाथ चंद्राकर जी के निर्देशन पर हम सब लोग एक दिन के प्रशिक्षण में गए थे। अभी प्रभारी महोदय भी हमारे साथ है, जानते हैं कि किस तरह से पार्षदगढ़ को आप लोग लेके गए थे टूर पे, किस तरह की चर्चा हुई? हमारा एकमात्र उद्देश्य था, बहुत से हमारे नए यंग लड़के बच्चे ये लोग चुन करके आए हैं और उनको नगर निगम अधिनियम जो है उसकी जानकारी, चुनाव के तरीके की जानकारी, ये प्रशिक्षण का एक हमारा छोटा सा एक दिन का कार्यक्रम था और इसलिए हम लोगों ने उचित समझा कि हमारे जो पार्षद नए चुन के आए हैं और जो सीनियर हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बने, उनको सारी जानकारी और कानून नियम और कानून की जानकारी दिया जा सके। बीजेपी ये हमेशा कहने से नहीं चूक रही है कि जो कांग्रेस के बीच में जो जो उनके पार्षद हैं उनके साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए वो लेके जा रहे हैं, इस तरह से नजरबंद कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी ने दो दिन पहले इस तरह के नजरबंद कर लिए थे अपने पार्षदों। ये काम बीजेपी का है, आपने देखा हमारे पार्षद खुलेआम चल रहे हैं, आप मीडिया में रोज प्रतिदिन दिखा रहे हैं, दो बार तीन बार दिखा रहे हैं, हमारे सारे पार्षदों को दिखा रहे हैं, तो किडनैपिंग का कहाँ से प्रश्न आएगा? हमारा अपने एक डिसिप्लिन है, हमारी पार्टी के सिंबल से जीते हुए हैं, सब एक है और हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो नेतृत्व है एक साल का, उन्होंने एक इतिहास बनाया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बनाने की जो सोच थी उस सोच को पूरा करने का काम उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए गांवों का डेवलपमेंट देखिए, नरवा गरवा घुरवा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखिए, जहां एक गांव में दो एकड़ चार एकड़ जमीन जानवर खड़े होने के लिए नहीं होता था, वहां पर ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। बिजली बिल के मामले में देख लीजिए, शहर के लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दे रही हैं, 5 डिसमिल से कम जमीन का रजिस्ट्री रोक दिया गया था भाजपा के शासनकाल में, उन गरीबों को उन लोगों को सुविधा देने के लिए ये सारे हम लोगों ने किया है। तो जो नगर निगम में आज हम लगातार जीत रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, ये दोनों की जो संयुक्त टीम है एक होकर के एक मत से कांग्रेस के सारे साथियों को लेकर के चल रही है और यही हमारा विश्वास है और यही इसी कारण से हम इस चुनाव में भी विजयी बनेंगे और पिछले भी आपने देखा कि अभी तक जितने चुनाव हुए सब जगह कांग्रेस जीत रही है। निर्दलियों को मनाने में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ चलिए सकते हैं? लगातार आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री